तो जैसा कि चौथे भाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यदि हम कालपुरुष कुंडली की बात करें मेष लग्न की, तो चौथे भाव में जो है करक राशि आती है जिसका स्वामी चंद्र होता है। हालांकि यहाँ पर अभी जो है ये वृषभ बन रहा है। तो जैसा कि चौथा भाव जो है, चौथे भाव में करक राशि आती है कालपुरुष कुंडली में जिसका स्वामी चंद्र होता है। अब देखिए कुंडली में जो चौथा भाव है ये किस किस बातों को दर्शाता है। चौथा भाव जो होता है मुख्यतः माता को दर्शाता है, भूमि को दर्शाता है, वाहन को दर्शाता है। इसके अलावा चौथा भाव जो है शिक्षा को भी दर्शाता है। यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दें कि जो दूसरा भाव होता है हमारे मुख का, ये प्रारंभिक शिक्षा है एक तरह से, जो माता से हम बोलना बोलचाल सीखते हैं। और जो चौथा भाव है ये शिक्षा जो हम स्कूल में पढ़ाई के दौरान जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जो पांचवा भाव होता है, जो वैदिक में जिसको शिक्षा के तौर पर लिया जाता है, उसको हम ज्ञान का भाव मानते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा भाव शिक्षा का और पांचवा भाव ज्ञान का, तो इसमें अंतर है। शिक्षा वो जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं, पहली शिक्षा वो जो हम माता से मुख के द्वारा जो हम बोलना चालना सीखते हैं, और चौथे भाव से शिक्षा जो हम स्कूल से प्राप्त करते हैं। पांचवा भाव जो है ज्ञान का, ज्ञान जो हमें अंतरात्मा से मिलता है। तो इसलिए जो शिक्षित हो जरूरी नहीं है वो ज्ञानी हो, और जो ज्ञानी हो वो जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो। और कई ऐसे होते हैं जिसमें शिक्षा भी भरपूर मिलती है और ज्ञान भी भरपूर मिलता है। तो और जो ज्ञानी होते हैं, जो हम कहते हैं कि वो उपदेश देते हैं, तो वो उनके अंतर्मन से निकला हुआ ज्ञान, जो उनका आंतरिक ज्ञान है, वो एक तरह से सभी के लिए जो निकलता है, जो सभी उसको सुनते हैं, समझते हैं और अपने आप को उसमें ये मानते हैं कि उनका जो है उनकी ऑरा स्ट्रांग हो रही है या उनके उनकी अंतरात्मा स्ट्रांग हो रही है। तो ये सर, हमें यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ सर कि जी कल, हालांकि इट इज ये सब्जेक्ट है थोड़ा सा, पर मैं बड़ा जिज्ञासा हो रही है मुझको कि कल परसों में अमिताभ बच्चन के संग एक लड़का, सॉरी ये कोई ये डांस का प्रोग्राम आ रहा था, तो मिथुन चक्रवर्ती के संग एक छोटे बच्चों को लेके आए थे, जी जैसे वो कौटिल्य वगैरह था जी जो, जैसे गूगल बॉय वगैरह बोल, कल परसों में एक संडे को शायद मैंने सर प्रोग्राम देखा था, 4-5 साल का एक बच्चा था। जी सर एक चीज बताइए कि इतने छोटे बच्चे को इतना ज्ञान होना, मैं नहीं समझता उसके माँ बाप ने उसको सिखाया होगा और किस लेवल पे सिखाया होगा, तो उसके माँ को खुद को नहीं लग रहा था वो इतने पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सर ये सब चीजें अपने अंदर हैं, असीमित ज्ञान की सीमाएं अपने अंदर हैं, मतलब पर वो सब चीजें, मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, ताला लगा हुआ उन चीजों पे ना, वो जागृत नहीं है। तो इतना इस छोटे से बच्चे को इतना असीम ज्ञान होना, तो ये बहुत रिसर्च का विषय है कि क्या वो चीज है कि सर वो उसके, क्योंकि तो सर एक बात मानिए कि एक गांव का आदमी जिसे साइकिल चलानी नहीं आ रही और एक वही आदमी जो है प्लेन उड़ा रहा है, मिग विमान उड़ा रहा है, तो मतलब भगवान ने ब्रेन में बहुत सारी चीजें, मतलब इसमें कहते ना हम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए ऐसा मैं बताता हूँ आपको, हमें एक्चुअली ये नहीं पता कि उस क्या चीज है कि इसको एक्टिवेट करने से इतना ज्यादा ज्ञान, अपन भी कोशिश करें उसको एक्टिवेट करने की। देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहला तो ये आप मान के चलें कि ठीक है उसके माता पिता हो सकता है कि उतने वो नहीं दिख रहे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो जैसे जो बच्चा अब मतलब कि कुछ बड़ा होता है उसकी एक तो ये होता है कि ग्रेस्प नॉलेज मतलब ग्रेस्पिंग पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बार बार चीज़ों को किसी ऐसे को भी अगर उन्होंने वो कम से कम उसको रट्टे लगाते हैं, बार बार पढ़ते हैं,
स्वामी विवेकानंद जी का ये था कि वो एक बुक को पढ़ लेते थे पूरा, तो उनको वो बुक जो है पूरी की पूरी आप उनको पूछ सकते हो कि इस पेज पर क्या लिखा होगा, तो वो आपको बता सकते थे कि इस पेज पर ये लिखा है। वो एक हम कई बार ऐसा होता है, एक बुक को हम कितनी बार पढ़ते हैं तब भी हमें कुछ वो हमें इतना आइडिया होता है कि ये पॉइंट मैंने इस बुक में कहीं देखा है, हमें ये आइडिया होता है कि मैंने ये जो पॉइंट है उस बुक में देखा है। हम उस बुक को निकालते हैं, वो पेज आगे पीछे हमें थोड़ा सा टाइम लगता है और हमें वो पॉइंट मिल जाता है। तो कईयों को ये होता है, उनकी इतनी ग्रेस्प पावर होती है कि वो कहते हैं कि ये पॉइंट जो है आपको इस बुक के इस पेज नंबर पर मिलेगा। और संस्कृत विद्यालय में यदि हम चले जाएं तो छोटे छोटे वहाँ पे जो बच्चे हैं जो कई प्रकार के वेद पढ़ते हैं या उनको, तो वो संस्कृत की भाषा में इतना कुछ सुना देते हैं, हम कहते हैं कि कमाल है, और उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। और जो कौटिल्य है ये किसी संस्कृत विद्यालय से ही निकला हुआ नाम है जो उनको एक तरह से मिला है, आम नहीं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब तो जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, वो हम कहते हैं ना जैसे मैथमेटिक्स, मैथ्स के वो ऐसे फिंगर्स को साथ के साथ हिला हिला कर वो बड़ी जल्दी से बड़ी कोई भी उसकी संख्या को या मैथ्स के किसी फॉर्मूले को या सम को बड़े इजी ढंग से वो चुटकियों में बता देते हैं, कैलकुलेटर से भी जल्दी। तो वो माइंड को यूज़ करना कईयों को आता होता है, कई उसको करना सीखते हैं, और कईयों की ग्रेस नॉलेज पावर ही बहुत ज़्यादा होती है कि वो उसको बहुत जल्दी जो है अपने अंदर समेट लेते हैं। जी सर, तो ये बहुत देखने में आता है। हमारी क्लास में भी जैसे हमें मालूम है हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो वो थ्योरम्स हमारे लिए बहुत टफ होती थी, तो वो थ्योरम्स वो टीचर्स को थ्योरम्स डाल के देता था कि ये आप इसको सॉल्व करके बताइए, या वो थ्योरम्स जो हम कहते हैं कि मैथ्स की दुनिया में जो शायद कई बड़े ही टिपिकल वे में पढ़ी हैं, वो उनको भी निकाल कर बड़ा इजी, मतलब ऐसे हमने देखे हैं। चलो हम दूर क्या जाना, हमारे कई सहपाठी ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले, और कई जगह पर हमें मिलते हैं, इसलिए तो कई बड़े अच्छे रैंक लेते हैं, हम कहते हैं वाह हमारे शहर का नाम रोशन कर दिया यहाँ। और आजकल बच्चों में तो है जरूर ऐसा कि आपको अलग अलग प्रकार की जो है प्रतिभाएं देखने को मिलेंगी। हाँ यदि किसी ऐसे बच्चे का चार्ट हो, बर्थ चार्ट हो, उसका जन्म विवरण हो, तो वो फिर स्टडी करने वही मैं में चाह रहा था सर, वो मरीज से मिले तो अपन उसको स्टडी करें उसमें, वो ऐसा क्या तो विषय। देखिए अब इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और किसी ने ऐसा आज तक लेटेस्ट किसी ने चार्ट कभी शायद नहीं नोट किया या नहीं बताया, नहीं तो अवश्य हम भी ऐसे चार्ट्स के ऊपर जो है कुछ ना कुछ विचार विमर्श कर रहे होते या उन बारीकियों को समझने की कोशिश करते कि बच्चा इतना होशियार किस प्रकार से है या क्या उसमें है। तो का ये कॉम्बिनेशन सही है। जी, तो यहाँ पर वही बात है कि बात वही आती है कि ज्ञान जो होता है अंतरात्मा से मिलता है, ज्ञानी जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो। तो कौटिल्य जो है वो ज्ञानी है लेकिन अभी उतना पढ़ा लिखा नहीं है कि हम वो कहें कि उसने कोई डिग्रियां ले ली हैं, लेकिन उसका ज्ञान इतना है कि वो हमें हम सबको अचंभित करता है, वो टीवी पे आकर भी अचंभित करता है, उसको इतनी नॉलेज है, वो शायद जो पढ़ लेता है ना तो उसके माइंड में वो एक तरह से बैठ जाता है। तो ये उसकी बहुत ही अच्छी एक हम कह सकते हैं ग्रेस पावर है। और जैसा कि चौथा भाव जो होता है प्राइमरी शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव को लिया जाता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि नवम भाव की जो शिक्षा है ग्रेजुएशन या कुछ उससे ऊपर तक, और जो और भी ज़्यादा हायर स्टडीज़ होती हैं तो उसके लिए 11वें भाव को आजकल देखा जाता है। तो
शिक्षा के लिए दूसरा भाव जो है ये अर्जित ज्ञान का है, तीसरा भाव जो है वो लिखाई का है, लेखन का है, कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है, छपाई का है, चौथा भाव जो है वो शिक्षा प्राथमिक है, और पांचवा जो है ज्ञान का और समझदारी का है, और इसके अलावा बुद्ध और गुरु जो हैं कारक हैं शिक्षा के। हाँ सर फोर्थ स्थान शुभ स्थान भी तो है, शुभ जी, स्थान को फोर्थ शुभ स्थान को भी तो शुभ क्यों? है। क्योंकि वो माता का भाव है ना, इसलिए तो माता के आंचल में सभी सुख हैं। माता के पास आ जाओ तो हर प्रकार के सुख माता से ही मिलते हैं बच्चे को, सबसे ज्यादा और इसके सिक्योर। संदर्भ में जैसे देखें फोर्थ के, जैसे अगर अपन बीमारी के संदर्भ में देखे जाते हैं तो वहाँ ये नेगेटिव भी होता है। नहीं, वो इलाज क्या व्यय भाव के रूप में, हाँ भाई, हर भाव का इलाज का व्यय, पांचवा भाव यदि इलाज है तो उसका व्यय भाव चौथा भाव हुआ ना वो, क्योंकि छठा भाव रोग है तो उसका व्यय भाव है उसका ठीक हाँ जी, होना, इलाज मतलब की, और इलाज का व्यय भाव चौथा भाव है, तो चौथे भाव का व्यय भाव तीसरा भाव है। तीसरा भाव एक्टिव है तो हम कहते हैं माता के सुख में कमी हो गई, या माता से बिछड़ना हो गया, या माता से दूरी हो गई किसी भी हाँ प्कार मतलब अपने से। नेटिव नेटिव प्लेस से भी दूर जाना हो गया। जी, तो अब यहाँ पर दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, ये एक तरह से किसी ना किसी प्रकार से हम कह सकते हैं ज्ञान से जुड़े हुए हैं, निपुणता से जुड़े हुए हैं, जिसमें बातचीत करने की कला भी आती है, दूत कार्य भी आता है, समझ भी आती है, ज्ञान भी आता है, और शिक्षा के संदर्भ में भी आता है हर प्रकार से। चौथा भाव यदि शिक्षा का है तो तीसरा, पांचवा, आठवा, बारवा, एक तरह से ये विरोधी भाव गिने गए हैं। चौथा भाव शिक्षा का है, तीसरा भाव उसका व्यय भाव, या तो शिक्षा में रुकावट या फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद तीसरा भाव एक्टिव हो, एक तरह से वो पांचवा भाव, इसलिए क्योंकि जो ज्ञान की तरफ ज्यादा चले जाता है तो उसको फिर वो किताबी शिक्षा जो है उतनी रास नहीं आती, तो वो ज्ञान की तरफ ही बहता चला जाता है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा तीसरे, पांचवें और आठ, बारह, ये जो भाव हैं ये एक तरह से शिक्षा में जो है रुकावट को भी दर्शाते हैं। इसके अलावा जैसा कि बताया, बुद्ध और गुरु जो हैं ये शिक्षा के कारक हैं। अब चौथा भाव जो होता है ये शिक्षा के अलावा माता का भी है, भूमि का भी है, वाहन का भी है, इन सब से जुड़ा हुआ है। क्या शिक्षा में बढ़िया होगी, चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी, माता के संबंध में प्रश्न हो, वाहन के संबंध में प्रश्न हो, भूमि के संबंध में प्रश्न हो कि क्या ये मैं भूमि खरीदूंगा या घर खरीदूंगा, तो चौथे भाव के उपनक्षत्र से और 4-11 ये संयोग एक तरह से होता है, और खरीदने के लिए जैसे वाहन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो 4-11 के साथ 12वां भाव जो है खर्च का भी, सामने वाले को जो है पेमेंट वगैरह दी तो वो भूमि या वाहन या घर जो है खरीदा गया। अब जब भूमि और वाहन हम खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है भूमि का है तो उसका शुक्र भी कारक होता है, वाहन है उसका शुक्र भी कारक होता है, इसके अलावा भूमि, जमीन, मकान आदि के लिए मंगल शनि भी जो है कारक हैं। शनि जो है सीमेंट वगैरह का, सीमेंट का कारक हो गया, जो लोहा है, जो सरिया है, TMT बार जिसको बोलते हैं वो कारक हो गया, मंगल जो है वो भूमि का कारक हो गया, तो मंगल शनि एक तरह से भूमि आदि के लिए, प्रॉपर्टी आदि के लिए कारक के रूप में, और वाहन के लिए जो है वो शुक्र को हम देखते हैं कि शुक्र जो है एक तरह से कारक होता है। और इसके अलावा कुछ भी बेचना हो, भूमि, घर, मकान, वाहन आदि बेचना हो, तो उसके लिए या तो चौथे भाव का उपनक्षत्र इसके व्यय भावों को दर्शाए, या फिर दशम भाव का उपनक्षत्र जो है वो 3, 5, 6, 3, 5, 6,
10 या 12 भाव ये दर्शाए, क्योंकि दशम भाव जो है यदि हम अपना वाहन भूमि मकान आदि बेचना चाहते हैं तो वो ओपोनेंट खरीदेगा सप्तम भाव, और उसका वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाएगी जो कि उसकी सप्तम से चौथा भाव उसका वाहन बन जाएगा या उसकी, तो यानी कि सामने वाले की इच्छा होगी खरीदने की, तभी जो है हम कुछ बेच वगैरह सकते हैं। खरीदार होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे कि हम कहते हैं कि चौथा भाव जो है शिक्षा के संबंध में है, तो नवम भाव जो है उच्च शिक्षा के संबंध में है, तो चौथे भाव के को रूलिंग, नवम भाव के को रूलिंग जो हैं, इनके संदर्भ में जो है हम अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स को जो है समझ सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सूर्य है, केतु है, चंद्र है, तो सूर्य जो है दवाइयों का कारक होता है, चंद्र जो है जल का कारक होता है, चंद्र जो है ये अकाउंट से भी रिलेटेड होता है, केतु जो है किस ग्रह की राशि में है उससे संबंधित देखा जा सकता है, जैसे केतु जो है यहाँ पर मंगल की राशि में है, तो मंगल जो है एक तरह से इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हुआ होता है, औजारों से भी जुड़ा हुआ होता है, सर्जन सर सर्जन अच्छा सर्जन सर्जन जो ऑपरेशन वगैरह या उनके औजार वगैरह, तो सूर्य मंगल यदि हम कहें तो डॉक्टर, क्योंकि सूर्य डॉक्टर का भी कारक है, सर्जन का भी कारक है, तो कई प्रकार के विषय बनते हैं। नवम भाव के जो को रूलिंग है शनि सूर्य शुक्र, अब शुक्र को हम यदि देखते हैं तो ये फैशन से भी जुड़ा हुआ है, शुक्र जो है ये लग्जरीज से भी जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा शुक्र जो है यदि हम देखते हैं तो सिनेमा मॉडलिंग या होटल मैनेजमेंट फैशन डिज़ाइनिंग, इनसे इनसे जुड़ा हुआ जो सूर्य है ये मेडिकल साइंस वगैरह से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रशासनिक मतलब कि जैसे IAS या किसी भी प्रकार के सरकारी उनसे जुड़ा हुआ। सर, यहाँ पे शुक्र जो है शुक्राचार्य यानी मेडिसिन, सूर्य भी दवा का कारक है। हाँ वो होम्योपैथिक के संदर्भ में उसको देखते हैं। तो शनि जो है शनि भी एक तरह से इंजीनियरिंग के संबंध में है, तो आजकल इंजीनियरिंग भी कई प्रकार की आ गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो जैसा कि हम जानते हैं, इसके अलावा अब तो इलेक्ट्रिकल की लाइन में भी, जो कंप्यूटर की लाइन में भी इंजीनियरिंग आ गई, ऑटो कैड जो तरह तरह के डिज़ाइन या डायग्राम्स वगैरह जो किसी भी चीज़ के मॉडल्स वगैरह बनाने में उपयुक्त होते हैं, तो काफ़ी तरह की इंजीनियरिंग आ गई है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये इनको एक एक ग्रह को ध्यान से पढ़कर तो कई प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, और वैसे भी हम कहते हैं कि नवम भाव और दशम भाव के, जैसे यहाँ पे शनि सूर्य शुक्र हैं तो यहाँ पे शनि मंगल शुक्र हैं, तो ये शनि या ये मंगल एक तरह से, अब ये दशम भाव जो है शनि मंगल तो इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा हुआ, क्योंकि दशम भाव कर्म स्थान है, तो जब भी शिक्षा के संबंध में देखना है तो चौथा नवम और दशम भाव कि जातक के जो सब्जेक्ट्स हैं क्या उसके कल को कर्म स्थान के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे नवम भाव का उपनक्षत्र शुक्र है तो दशम का भी उपनक्षत्र शुक्र है, तो यदि ये फैशन डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग या उससे जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कल को इनके कर्म स्थान में वो काम आ सकता है, ऐसा हम ये इसके साथ जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं या इसके संबंध में समझ सकते हैं। अब जैसा कि चौथे भाव के विषय में हम पढ़ रहे हैं, तो चौथा भाव जो है इसका उपनक्षत्र यदि पहले भाव के साथ संबंध बनाता है या पहले भाव का उपनक्षत्र चौथे भाव के साथ, क्योंकि ये हम दोनों तरह से क्रॉस इसको देख सकते हैं, तो पहले भाव से स्वयं जातक हुआ, चौथा भाव क्या है वाहन का है भूमि का है माता का है, तो इन सब से जातक का लगाव हो सकता है। इसके अलावा चौथा भाव जनता जनार्दन का भी होता है, तो जनता में प्रिय शिक्षित, क्योंकि लगन का उपनक्षत्र या चौथे भाव का उपनक्षत्र जो है पहले भाव के साथ जुड़ता है, तो चौथे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि दूसरे भाव, दूसरा भाव क्या है धन का है, तो भूमि वाहन आदि से या माता से धन प्राप्ति या
भूमि वाहन प्रॉपर्टी आदि से धन वगैरह इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके संदर्भ में पूरा विस्तार से वर्णन जो है आप पीडीएफ में भी जो है उसको पढ़ सकते हैं। चौथे भाव के संबंध में, चौथे भाव के उपनक्षत्र का संबंध तीसरे भाव के साथ होता है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चौथा और तीसरा भाव भूमि वाहन है, या सेल परचेज ऑफ व्हीकल्स, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज, या इनसे संबंधित जो भी कार्य है किया जा सकता है, कि क्योंकि चौथे भाव का उपनक्षत्र जो है तीसरे के साथ संबंध बना रहा है। इसके अलावा माता से दूरी, या फिर शिक्षा में रुकावट वगैरह, या घर से दूरी, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। चौथे भाव का उपनक्षत्र यदि चौथे भाव के साथ ही संबंध बनाता है, तो वो जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा लेने का इच्छुक, या बार बार बदलने का इच्छुक, या प्रॉपर्टी वगैरह लेने बेचने, या उसके संबंध में, या इसके अलावा फर्नीचर वगैरह आदि, कुछ ना कुछ ऐसी जो हैं सुंदरता वाली चीज़ें जिससे घर सुंदर दिखे, वो उन चीज़ों में किसी ना किसी प्रकार से पैसा लगाना, या फिर शिक्षा के साथ हमेशा किसी ना किसी प्रकार से जुड़े रहना। जैसे कई लोग होते हैं बुक रीडर्स होते हैं, वो कई प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं, कई प्रकार की नॉलेज गेन करते हैं। तो ये आप मतलब कि इसको हर प्रकार से समझ सकते हैं। चौथे भाव के उपनक्षत्र का संबंध जो है पांचवें भाव के साथ, तो पांचवा भाव क्या होता है? पांचवा भाव है शेयर्स का, पांचवा भाव है ज्ञान का, पांचवा भाव है कला का, पांचवा भाव है संतान का। तो चौथे भाव का उपनक्षत्र का संबंध इनसे हो, तो पांचवा भाव शेयर का है, तो शेयर आदि में नुकसान कह सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव व्यय है। और इसके अलावा जो पांचवा भाव है जैसे कला वगैरह का, तो घर से ही कला या शिक्षा वगैरह देना। और इसके अलावा संतान के संबंध में जो, क्योंकि चौथा भाव है तो उसका व्यय भाव, तो कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी संतान के मामले में रहना। चौथे भाव का संबंध छठे भाव के साथ होना, छठा भाव क्या है? रोग, शत्रु, कर्ज, केस, तो इनसे किसी ना किसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चौथा भाव घर का है, छठा भाव जो है किराएदारों का भी होता है, तो उनसे किराया वगैरह प्राप्त करना, या किराया मिलना, या किराए पर घर, जमीन, या फैक्ट्री, या भूमि वगैरह कुछ भी, या गाड़ी वगैरह भी देना। इसके अलावा छठा भाव रोग का है, चौथा भाव माता माता को कोई ना कोई दिक्कत होना, या फिर चौथा भाव जो है छाती का है, चेस्ट का है, तो छाती से जुड़ी हुई किसी ना किसी प्रकार की बीमारी से जुड़े होना। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। चौथे भाव का संबंध यदि सप्तम भाव के साथ होता है, सप्तम भाव क्या है? कारोबार का, व्यापार का, पार्टनर का, और चौथा भाव भूमि वाहन आदि का, तो उनसे जुड़ा हुआ कारोबार हो सकता है, या प्रॉपर्टी वगैरह जो है किसी को व्यापारिक संस्थान के तौर पर दी होना, या पत्नी के नाम प्रॉपर्टी वगैरह होना, पार्टनर के नाम साझेदारी में कुछ ना कुछ किसी के साथ मिलकर खरीद लेना, या कार्य कर लेना, इस प्रकार से। चौथे भाव का संबंध आठवें भाव के साथ हो, आठवां भाव क्या है? बीमा, वसीयत का भी है, तो वसीयत में प्रॉपर्टी वगैरह मिलना, या फिर प्रॉपर्टी का बीमा वगैरह, अनअर्न्ड इनकम। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, बड़े बुजुर्ग कहीं पर कोई जगह जमीन वगैरह जो है खरीद कर रख गए होते हैं, जिसका कई वर्षों बाद जाकर पता चलता है, तो ऐसे में अचानक भूमि वगैरह से या प्रॉपर्टी आदि से जो है अनअर्न्ड इनकम होना। चौथे भाव का संबंध यदि नवम भाव के साथ हो, तो नवम भाव क्या है? धर्म, भाग्य, यात्रा का, तो यात्रा और वाहन का संबंध, तो ऐसे में टूर्स एंड ट्रेवल्स से जुड़ा हुआ काम। धर्म का काम है, तो जैसे हम कहते हैं कि तो इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे नवम भाव से जुड़ता है, यानी उच्च शिक्षा से भी, हाँ उच्च हाँ शिक्षा का। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है, क्योंकि
अगर हम धर्म भाग्य यात्रा को नवम भाव मानते हैं, तो धर्म जो नवम भाव है उस शिक्षा का भी है। इसके अलावा दूर विदेश से यदि 12वां भाव जुड़ जाए, विदेश में जाकर भी शिक्षा इस प्रकार से उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अध्यापक, अध्यापक नहीं ये सर, समझा नहीं। मतलब नौवां अगर चौथे भाव का उपनिषद स्वामी नवे भाव से जुड़ता है, तो विदेश से भी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। लंबी दूरी, हाँ, क्योंकि नवम भाव क्या है, लंबी दूरी की यात्रा है। वो डिस्टेंट और रनिंग हो सकती है जो अपन कर रहे हैं हाँ, वो भी हो सकता है। अब कई ऑनलाइन, बार जैसे अपन अब पढ़ रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ तीसरा भाव का जुड़ना, तीसरा भाव क्योंकि मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया और का। कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पर ये जैसे हम कह लें इंडिया में ही, अब जैसे इधर नॉर्थ में जैसे हमारे शहर के कई बच्चे जो हैं बेंगलोर भी, पुणे बेंगलोर वहाँ पर पढ़ते हैं, तो कई जो हैं हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के जो डून स्कूल हैं वहाँ पर भी पढ़ते हैं। तो अलग अलग स्थितियाँ हैं उस प्रकार से। चौथे भाव के उपनक्षत्र का संबंध दशम भाव के साथ हो, दशम भाव क्या है, मान सम्मान राज्य सरकार। इसके अलावा दशम भाव जो है व्यापारिक संस्थान हो गए, इंडस्ट्री कारखाने, और इसके अलावा दशम भाव यदि प्रोफेशन है तो चौथा भाव क्या है, भूमि आदि का, तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ भी हम कह सकते हैं। चौथे भाव का संबंध 11वें भाव के साथ बनता है, तो 11वां भाव क्या है, 11वां भाव जो है लाभ का है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वाहन से लाभ, माता से लाभ, जो भी चौथे भाव से संबंधित, या 11वें भाव का उपनक्षत्र चौथे भाव के साथ संबंध बनाए, तब भी इस प्रकार से कई स्थितियों को समझा जा सकता है। परीक्षा में लाभ, चौथे भाव का उपनक्षत्र का संबंध 12वें भाव के साथ बने, तो 12वां भाव क्या है, विदेश का, 4-12। चौथा भाव क्या है, वाहन का, भूमि का, तो 12वां भाव है उसका खर्च वगैरह, तो उन पर खर्च होना। चौथा भाव माता का है, माता पर खर्च होना, या फिर घर मकान वगैरह आदि बनाने या उनकी मरम्मत आदि पर जो है 4-12, उन पर खर्च होना, वाहन पर खर्च होना। तो ये कई स्थितियां जो हैं इसके संबंध में हम जो है समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार से चौथे भाव के संबंध में जो है पीडीएफ में कई प्रकार के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, अलग अलग जो नियम हैं, जिसमें उच्च शिक्षा या शिक्षा में रुकावट या शिक्षा बंद होना या भूमि वाहन आदि की खरीद, या इनसे और भी कई प्रकार के जो है आप कॉम्बिनेशंस वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर। जी।